पृथ्वी पर जब से इंसानों ने होश संभाला है तब से एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तलाश में मानव जाति जुटी हुई है। जब कभी हमारी निगाहें तारों से भरे इस आसमान पर पड़ती हैं, तो हमेशा लबों पर एक ही सवाल होता है और वो ये कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। सालों से इस सवाल ने हमें अपने तिलिस्म में उलझाए रखा, मगर आज 21वीं सदी में शायद हम इस काबिल हो चुके हैं कि इन रहस्यों का पर्दाफाश कर सकें। यूनिवर्स की इन्हीं मिस्ट्रीज को डिबंक करने के लिए नासा ने टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नाम का ये मिशन लॉन्च किया है। ये एक ऐसा खास अभियान है जिसके तहत मिल्की वे और साथ ही कुछ नियर बाई गैलेक्सीज में मौजूद कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोजा जाएगा जिन पर पोटेंशियली लाइफ ग्रो कर सकती है। आई एम श्योर आप सुपर अर्थ के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ होंगे ही। वेल, ये वो एक्सोप्लैनेट्स हैं जो साइज और कॉम्पोजिशन में काफी हद तक अर्थ के जैसे हैं। यहाँ ऑन द ग्राउंड सिचुएशंस भी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाती हैं। ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष में एक बेहद पावरफुल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया है जो विशेष तौर पर इन अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स को ही खोजती है। आज इस अभियान को शुरू हुए तकरीबन 5 साल बीतने को आए हैं। ऐसे में इसने बहुत सी उपलब्धियां अपने नाम की हैं जिन्हें हम आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार इन फार अवे वर्ल्ड्स को टेस की निगाहों से देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मिशन की शुरुआत होती है वक्त में पीछे आज से करीब 18 साल पहले, जब साल 2005 में जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने साथ मिलकर एक प्लान पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में तो ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था जिसे गूगल और द कालवी फाउंडेशन फंड कर रहे थे। हालांकि आगे चलकर इसे सन 2008 में नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर को सबमिट कर दिया गया, जिसे फाइनली साल 2010 में कंसिडरेशन के लिए मंजूरी भी मिल गई। इस अभियान पर आगे चलकर साल 2013 में काम शुरू हुआ जब इसे नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम के तहत मिशन अप्रूवल मिला। हालांकि अगले 2 सालों तक बजट एलोकेट न हो पाने के कारण काम बीच में ही लटका रहा, मगर आखिरकार जब साल 2015 में इस मिशन के नाम पर $200 मिलियन का बजट अप्रूव हुआ तो जोरों शोरों से इस पर भी काम शुरू हो गया और महज 3 सालों के अंदर अंदर एक बेहद पावरफुल और प्रिसाइज टेलीस्कोप को बनाकर तैयार कर लिया गया, जिसे आगे चलकर 18 अप्रैल सन 2018 की रोज स्पेसएक्स के फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये टेस नामी ऑब्जर्वेटरी किस तरह से आसपास के 2 लाख तारों से आ रही रोशनी को स्टडी करके उनके इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों को गहनता से स्टडी करेगा। वेल, इससे पहले कि आप इस ऑब्जर्वेटरी के काम करने के तरीके को समझें, आइए हम जानते हैं कि आखिर इस वास्ट यूनिवर्स में किसी भी एक्सोप्लैनेट या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की खोज कैसे की जाती है। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है रोशनी की ये किरणें, जो सूरज जैसे लाखों सितारों और आकाशगंगाओं द्वारा प्रोपेगेट की जाती है। ये लाइट रेज स्पेस में बेहद दूर तक ट्रेवल करती हैं और इन्हीं फ्रीली मूविंग लाइट रेज को डिटेक्ट कर हम अलग अलग ग्रहों और तारों का विजुलाइजेशन करते हैं। मगर तारों से उलट जब ये बात इन ग्रहों की होती है तो ये सिनेरियो काफी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के आसपास खुद की कोई रोशनी नहीं होती तो वो अपने तारों से आ रही रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करके अपने वजूद का सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे में फिर इन्हें देखना मुमकिन कैसे हो पाता है। वेल, अगेन हियर इज अ कैच। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में लाइट को बेहद ही क्रिटिकली स्टडी किया जाता है। लाइट रेज महज रोशनी की किरणें न होकर बल्कि जानकारियों का एक पैकेज है जिसे डीकोड करके उससे बहुत सी वाइटल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती हैं, जैसे उसका ओरिजिन सोर्स क्या था, वो हमसे कितना दूर है, वो कितना बड़ा है, उसकी संरचना कैसी है, वगैरह वगैरह। बहुत सी जानकारियां यहां से हासिल की जा सकती हैं। बात करें अगर इन एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में लाइट रेज के रोल की, तो जब वैज्ञानिक किसी भी सेलेस्टियल सोर्स से आ रही लाइट को कैप्चर करते हैं तो उसका एक एक्सपोजिटरी एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंतर्गत उस लाइट रे की शेडो प्रॉपर्टीज को उजागर किया जाता है, जिसके चलते हमें उस लाइट रे को एमिट कर रहे सोर्स के सामने से होकर गुजरने वाले या यूं कहें कि उसे फ्लाई पास करने वाले मिरर ऑब्जेक्ट्स का पता चल जाता है। लाइट रे की इंटेंसिटी में आ रहे वेरिएशंस हमें ये बताते हैं कि वो फ्लाई पासिंग ऑब्जेक्ट कैसी है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है और यही एक्चुअल में फोटो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। और फंडामेंटली आज वैज्ञानिक इसी तरीके से एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं। आई एम श्योर आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर एक एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे की जाती है। वास्तव में हमारा टेस मिशन भी अपनी प्लैनेटरी डिस्कवरीज के लिए इसी मेथड को इस्तेमाल करता है। टेस में बेहद प्रिसाइज्ड और पावरफुल सेंसर्स मौजूद हैं
जो लाइट रेज और उसमें ब्लेंड होने वाली शेडोज को बेहद क्रिटिकली एनालाइज करने में सक्षम है। अतीत में टेस ने अपने इसी खोजी अभियान की शुरुआत की थी ऑल स्काई ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे से। ये आसमान में मौजूद ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खंगालने की एक जोरदार कोशिश थी जो आज से पहले ऐसा किसी ही दूसरे स्पेस टेलीस्कोप ने नहीं किया था। 2010 के दशक में अपनी कार्यकुशलता के चलते सुर्खियां बटोरने वाला स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप भी ये मुकाम हासिल करने में नाकाम रहा था। ऑब्वियसली ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, तो इसकी काबिलियतें अपने प्रेडिसेसर से तो ज्यादा होंगी ही। बात करें अगर टेस द्वारा हाल ही में खोजे गए TOI 700E एक्सोप्लैनेट की, तो ये अनडिस्प्यूटेडली आज तक खोजा गया सबसे ज्यादा हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है, जिसे बेशक सुपर अर्थ का नाम दिया जा सकता है। ये एक रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है जो कि पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। स्टेलर मैप में आप इसे यहाँ पर डोराडो कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल बीचों बीच देख सकते हैं। ये ग्रह अपने तारे के गोल्डी लॉक्स जोन या फिर यूँ कहें कि हैबिटेबल जोन में है, यानी कि ये ना ही अपने तारे के बेहद ज्यादा करीब है और ना ही हद से ज्यादा दूर, जिसके चलते इस ग्रह पर तापमान पृथ्वी की तरह संतुलित होगा। एक संतुलित और सहनीय तापमान होने के कारण यहाँ पानी के तरल रूप में होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको तो पता ही है कि जहाँ पर जल है वहाँ जीवन की भी कल्पना संभव है। वैसे भी अगर हम अपनी इमेजिनेशन की किताबें बंद कर रियलिटी के ग्राउंड पर उतरें, तो हमारी अब तक की स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये प्लैनेट अर्थ से काफी मिलता जुलता है। और सिर्फ TOI 700E ही नहीं, बल्कि इस तारामंडल के अन्य ग्रह लाइफ सीड को स्प्राउट करने के लिए एकदम परफेक्ट मालूम होते हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम कर रही पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर एमिली गिलबर्ट ने जब इस सिस्टम को स्टडी किया, तो उन्होंने इस पर अपना रिमार्क देते हुए कहा कि ये उन चंद स्टेलर सिस्टम्स में से एक है जिनमें कई छोटे रहने योग्य क्षेत्र वाले ग्रह हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अगर इस मिशन से जुड़े कुछ इनसाइट्स को देखें, तो एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च की शुरुआती फेज में टर्म हैबिटेबल जोन का इस्तेमाल उस इलाके को डिनोट करने के लिए किया जाता था जिसमें किसी भी प्लैनेट के होने पर वहाँ पर तरल रूप में पानी के होने की संभावना काफी अधिक होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर उस प्लैनेट का होस्ट स्टार न उससे ज्यादा करीब होता है और न ही ज्यादा दूर, जिस कारण ग्रह की सतह पर एक बैलेंस्ड और बेयरेबल टेम्परेचर होता है जो वाटर को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे हम एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च के इस एरा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम बहुत सी नई बातों और फैक्ट्स को भी कंसिडर करते जा रहे हैं। मसलन अब हम बजाय हैबिटेबल जोन शब्द का इस्तेमाल करने के द ऑप्टिमिस्टिक हैबिटेबल जोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म है जो महज उन ग्रहों को ही नहीं जिन पर वर्तमान में पानी मौजूद है, बल्कि उनको भी अकाउंट करती है जिन पर अतीत में कभी पानी मौजूद था। इसकी तुलना में बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा द कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन यानी कि CHZ एक टाइटली कंस्ट्रेंड रीजन है जहां वैज्ञानिकों ने किसी भी ग्रह के अधिकांश हिस्से पर पानी की मौजूदगी की परिकल्पना रची थी। खैर ये सब बातें तो मैटर ऑफ रिसर्च हैं, जब तक इन पर जांच चलती रहेगी तब तक इनमें बदलाव आते ही जाएंगे। और वैसे भी नाम में क्या रखा है, जरूरी है वाकई हम इसकी रिसर्च को किसी ऐसे ग्रह तक ले जाएं जहां पर असल में या तो जीवन फल फूल रहा हो या फिर अपनी शुरुआत के नजदीक हो। वेल TOI 700E ग्रह अपने तारे के ऑप्टिमिस्टिक हैबिटेबल जोन में होने के चलते ये बात काफी हद तक मुमकिन है कि यहाँ पर सिर्फ लिक्विड वाटर ही नहीं बल्कि पृथ्वी की तरह सिमिलर कंडीशन वाला एक डेंस एटमॉस्फेयर भी हो। साथ ही इस बात की भी खासी ज्यादा उम्मीद है कि इस सिस्टम में मौजूद अधिकतर ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड ही हो, यानी कि इसका एक फेस हमेशा अपने तारे की ओर ही रहता है और दूसरा चेहरा हमेशा काले अंतरिक्ष की ओर ही रहता हो, जिसके चलते इसकी एक ओर हमेशा सुबह रहती हो और दूसरी तरफ इसके ठीक उल्ट कभी न खत्म होने वाली रात ही रहती हो। अपने होस्ट स्टार के बेहद करीब होने के कारण यहाँ साल काफी छोटे होते हैं। इनर मोस्ट प्लैनेट के लिए सिर्फ 10 दिन और आउटर मोस्ट के लिए मैक्सिमम 37 दिन जितना लंबा होता है यहाँ का एक साल। खैर आज तक टेस ने 6000 के करीब एक्सोप्लैनेट्स का आइडेंटिफिकेशन किया है, जिसमें से अब तक 268 पर ही कंफर्म डिस्कवरी पूरी की जा चुकी है और एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कैरी किया जा रहा है। बेशक टेस ने अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में एक फुल डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कंडक्ट किया है, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष के विभिन्न हिस्सों में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का डीमार्केशन पॉसिबल हो पाया है। आज हमारे पास पोटेंशियल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ को होस्ट कर सकने वाले एक्सोप्लैनेट्स का एक डिटेल्ड मैप मौजूद है, जिसके बदौलत ही फर्दर हम HD 2329b, Kepler 186f जैसे अर्थ आइडेंटिकल प्लैनेट्स पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्टडी कैरी आउट कर सकेंगे और भविष्य में जल्द ही किसी ऐसे ग्रह की खोज कर सकेंगे जिस पर वाकई जीवन सांसें ले रहा हो। इस पर आपका क्या ख्याल है?
क्या ये आने वाले कल की एक हकीकत है या फिर एक दूर की मंजिल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।